ठीक है, अब हमने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। थोड़ा सा हम पिछले वाले को रिकॉल कर लें। ये वाली चीज़ जो है वो हमारी आर कॉस थीटा है, ठीक है, ये हमारी आर साइन थीटा है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा आर है, सी सेंटर है, ठीक है, ये डी एम ए है, ए पॉइंट है, ये डी एम बी है, बी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास आर डी थीटा है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास अल्फा है, डी एफ ए ये है हमारे पास, डी एफ बी ये है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा इस डायरेक्शन में, डी एफ ए, हम इसको अभी फ़िलहाल डी एफ ए वाई ही लिखते हैं, और इसको हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एफ ए एक्स लिखते हैं। इसी तरह जब इसका करेंगे डी एफ बी का, वो भी यहाँ आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी एफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है अल्फा, तो डी एफ बी वाई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि एक्स जो है वो डी एफ बी एक्स, डी एफ ए एक्स और डी एफ बी एक्स सेम लाइन के अलॉन्ग होंगे, इक्वल होंगे मैस एम, और डी एम ए और डी एम बी के हमारे पास डी एम ए और डी एम बी जो हैं वो इक्वल हैं, मैस एम सेम है, एक्स डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, ठीक है। लिहाजा डी एफ ए और डी एफ बी सेम, ठीक है। ये हमारी टोटल दो फिगर्स हैं। अब फर्दर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, यानी पहले सबसे हम लोगों ने क्या किया है, एक स्फेरिकल शेल ले लिया है, उसके पास हमने पॉइंट मैस एम रख दी है, उसके सारे डिस्टेंसेस को हमने लेबल कर लिया है, एक शेल में उसको रिंग में हमने काटना शुरू किया, और एक ऑर्बिट्ररी रिंग हमने ले लिया है जिसका जो विड्थ है आर डी थीटा है, और उसके हमने रेडियस के कंपोनेंट ले लिए हैं सारे, उनकी जो उस वहाँ पे हमने दो मैसेज ए और बी पॉइंट पे ले लिए हैं जो कि इक्वल हैं, उनका डिस्टेंस जो है मैस एम से इक्वल है, और उसके बाद हमने उनकी फोर्सेस कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हमने उनको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, डी एफ ए एक्स और डी एफ ए वाई, डी एफ बी एक्स और डी एफ बी वाई, दोनों की डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली यहाँ पे मैंने बता दी। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देती हूँ, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये ए का है, ये बी का है, जबकि एक्स कंपोनेंट दोनों का सेम लाइन के अलॉन्ग भी होगा और लेंथ भी दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। ये चीज़ें रखनी है, अब इसको हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम इसका जो वर्टिकल, ये अब सेम यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, देखें जो वाई कंपोनेंट है एक डी एफ ए का ऊपर वाली डायरेक्शन में है, डी एफ बी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। हमने दोनों के रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ले लेनी है, डी एफ ए वाई और डी एफ बी वाई चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लिहाजा वो माइनस के साथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डी एफ ए वाई बेसिकली होता है डी एफ ए साइन ऑफ अल्फा, साइन का आता है कंपोनेंट के साथ, इस तरह डी एफ बी वाई जो है वो डी एफ बी साइन ऑफ अल्फा के बराबर होगा। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फोर्स की, तो ये चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल लॉ से आएगी, ठीक है। दोनों मैसेज का प्रोडक्ट, कौन कौन सी मैसेज हैं, डी एम ए है और स्मॉल एम है, और साथ में ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और उनके दरमियान जो सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा वैसे ही आ जाएगा, ये हमने डी एफ ए साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से डी एफ बी को देखा जाए तो डी एम बी एम जी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा, चूंकि डी एम ए डी एम बी के बराबर है, लिहाजा डी एम बी की जगह भी हम डी एम ए पुट कर देते हैं। जब डी एम ए पुट करेंगे सेम वैल्यूज आ जाएंगी और इक्वल हो जाएंगी। फिगर से हम ये रीजनिंग देते हैं कि चूंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर हम लेंगे, वो मैं कह रही हूँ एक अलॉन्ग द सेम लाइन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो डी एफ ए एक्स डी एफ बी एक्स आ जाएगा, डी एफ ए कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट में कॉज आता होता है,
डी एम बी कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा। इसी तरह जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे डी एम ए इंटू एम ओवर एक्स स्क्वायर, सिर्फ साथ में कंपोनेंट की वजह से कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा। डी एम ए इधर आ जाएगा, डी एम बी वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, चूंकि डी एम ए डी एम बी के इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2gdma m over x2 cos of, यानी कि ये ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सबके वैल्यूज ले लेंगे, एफ ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स सारे के सारे आ जाएंगे। जब ये ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स आएगा ऐड कर लेंगे, साथ में cos of alpha आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डी एफ ए एक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो वो आती है जी एम डी एम ए ओवर एक्स स्क्वायर, बी की करें जी एम डी एम बी ओवर एक्स स्क्वायर, जी एम डी एम सी ओवर एक्स स्क्वायर। इस तरह से ए बी सी छोटी छोटी मैसेज में इसको डिवाइड करते जाएंगे ए बी सी में, तो उसी तरह से कॉज ऑफ अल्फा साथ में आता जाएगा और वो ऐड होते जाएंगे। जी एम ओवर एक्स के सब में कॉमन है, लिहाजा वो कॉमन बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा डी एम ए डी एम बी डी एम सी, ये सारी एडअप हो रही है, तो ये टोटल मैथ्स ऑफ ये रिंग आ जाएगी, रिंग स्ट्रिप जो हमने काटी थी ये जो ब्लैक से शो की हुई है डार्क, तो वो आ रही है, ठीक है। साथ में कॉस ऑफ अल्फा ये आ जाएगा हमारे पास सर्कुलर स्ट्रिप का। अब टोटल मैथ्स किसी भी चीज़ का हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला है एम ओवर वी, तो लिहाजा मैथ्स अगर यहाँ से निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टोटल मैथ्स ऑफ द स्ट्रिप, और यहाँ पे मैथ्स की जगह हम डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। मैथ्स की हमने वैल्यू पुट कर दी, डेंसिटी क्या है हमने रॉ ली थी, ये वैसे ही आते जाएंगे, डी एफ आ जाएगा टोटल फोर्स बाय द स्ट्रिप। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। अब यहाँ से देखें इसकी जो लेंथ है, अगर सर्कुलर कोई स्ट्रिप है उसकी लेंथ क्या होती है, ये वाले सर्कुलर पाथ की लेंथ उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होती है, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होती है। लिहाजा हमने यहाँ पे जो लेंथ है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, यहाँ पे रेडियस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये जो रेडियस है वो ये है इसका स्ट्रिप का, और वो किसके इक्वल है आर साइन ऑफ थीटा के, लिहाजा उसका सर्कमफेरेंस आएगा 2 पाई आर साइन ऑफ थीटा। विड्थ कितनी है, विड्थ हमने यहाँ पे ली हुई है आर डी थीटा, ये देखिए, ठीक है। और थिकनेस क्या आएगी हमारे पास, थिकनेस स्मॉल टी हमने ली थी जो शुरू में, वही आ जाएगी कॉस ऑफ अल्फा साथ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई जी एम रॉ आर टी, आर का स्क्वायर होएगा आर स्क्वायर इंटू टी, बाकी क्या रह गया साइन थीटा कॉस अल्फा डी थीटा और नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली जो सारी वैल्यू है 2 पाई जी एम रॉ टी आर स्क्वायर, इसको हमने के पुट कर लें तो हमारे पास आ जाता है के कॉस अल्फा साइन थीटा डी थीटा ओवर एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू हमारे पास यही है। यही आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।